हेलो दोस्तों, इंटरनेट पे दलगोना काफ़ी वायरल हो रही है। तो आज हम सुविधानेट रसोई में सीखेंगे सबसे आसान तरीका दलगोना काफ़ी बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी डालेंगे। एक ही स्पून से हम सभी चीज़ों का मेज़रमेंट करेंगे। इसी चम्मच से हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, 2 चम्मच गरम पानी ऐड कर देंगे और चम्मच या विस्कर की मदद से इसे फेंट लेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन यह मशीन जितनी ही फफी और क्रीमी कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगी, थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊँगी। इसको फेंटने में पूरे 10 मिनट का समय लगता है और इसका कलर चेंज होने लगा है और अब ये क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। थोड़ा सा और फेटेंगे तो ये इस तरह का क्रीमी और पफी फोम जैसा कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए स्टिक बनने लगा है। यहाँ हम कोल्ड और हॉट दोनों तरह की कॉफ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गर्म दूध एक गिलास में ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम 2 चम्मच जो मटेरियल बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर आप चाहें तो चोको चिप्स, कॉफ़ी पाउडर या चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लें। अब हम एक दूसरा ग्लास लेंगे और इसमें हम चॉकलेट सिरप डाल देंगे चम्मच की सहायता से और इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम ठंडा दूध डाल देंगे और इसमें हम 2 चम्मच कॉफ़ी मटेरियल ऐड कर देंगे और इसको चम्मच से बराबर कर लेंगे। कॉफ़ी अच्छी बनी रहती है तो ये नीचे डूबता नहीं है। और इस तरह से हम चॉकलेट सिरप से गार्निश करके सर्व करेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा कॉफ़ी मटेरियल ना ऐड करें, अन्यथा कॉफ़ी आपकी काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी। अगर आप स्ट्रांग कॉफ़ी पसंद करते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और दूध में थोड़ी सी चीनी आप ज़रूर डालें। तो इस तरह से हमारी दोनों तरह की दलगोना कॉफ़ी बनकर तैयार है। इस दलगोना कॉफ़ी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।